हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ प्राणायाम बताने वाली हूँ जो कि थायराइड को क्योर करने में हेल्प करते हैं। आपको पद्मासन लगा लेना है। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो अर्थ पद्मासन या नॉर्मल पालती भी चलेगी। फिर आपको नॉर्मल इनहेल करना है, आँखें क्लोज कर लेनी है और एक्सहेल करते हुए स्टमक को पंप करना स्टार्ट करना है। इस बात का ध्यान देना है कि आप इनहेलिंग पे ध्यान ना दें बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है और साथ में अपने स्टमक को पंप करते रहना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप ज़बरदस्ती पेट को पंप ना करें, एक्सहेल करने के साथ में नॉर्मली जितना स्टमक पंप हो रहा है उतना ही करना है। अगर आप थक जाते हैं बीच में तो टेक ब्रेक्स और फिर वापस से स्टार्ट करना है। डू दिस फॉर गुड 5 to 10 मिनट्स एवरी डे। फिर नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी। इसके लिए आपको अंगूठे को कान पे, मिडिल टू फिंगर्स को आँख पे, फर्स्ट फिंगर को फोरहेड पे और लास्ट फिंगर को चिक्स पे रखना होता है। नॉर्मली इनहेल करना है और एक्सहेल करते टाइम गले को दबा लेना है और फिर एक्सहेल करना है तो गले के ऊपर इससे जोर आता है जिससे कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स। Do this 5 to 10 times every day. Relax. फिर नेक्स्ट प्राणायाम के लिए आपको उज्जयी प्राणायाम करना है जिसमें कि आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए गले से की साउंड निकालनी है। इससे आपके गले के ऊपर प्रेशर आता है। सो इनहेल नॉर्मली और एक्सहेल करते टाइम गले को दबाते हुए की साउंड निकालनी है आपको कंटिन्यूसली। फॉर नेक्स्ट प्राणायाम आपको अपने घुटनों के बल आ जाना है, घुटनों के बीच में हिप साइज डिफरेंस रखना है, हाथों की हेल्प से आगे झुक जाना है और जीभ को बाहर निकाल के गले से आवाज़ निकालनी है। सॉरी फॉर द कफिंग। सो इनहेल करना है नॉर्मली और एक्सहेल करते टाइम जीभ बाहर निकाल के आपको गले से आवाज़ निकालनी है। फिर रिलैक्स हो जाना है। आंखें बंद कर लेनी है और थोड़ी देर के लिए नॉर्मली रिलैक्स करना है। दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू डिड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नमस्ते।